दिल्ली के मोहन गार्डन और हरियाणा पुलिस की ज्वाइंट कार्रवाई में पुलिस ने 12 करोड़ रुपए के हेरोइन के साथ 3 युवतियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान महावीर एनक्लेव की शिवानी, मोहन गार्डन की प्रीति और उत्तम नगर की किरण के रूप में हुई है। द्वारका के डीसीपी शंकर चौधरी ने बताया कि हरियाणा के सोनीपत थाने में दर्ज मामले की जांच के सिलसिले में मोहन गार्डन पुलिस के एएसआई हंस कुमार के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार, महिला एसआई गीता, महिला हेड कांस्टेबल राधा और हरियाणा पुलिस के पीएसआई मनीष, एसआई सोमदत्त की ज्वाइंट टीम 31 जनवरी की देर शाम भगवती गार्डन एक्सटेंशन पहुंची थी। पुलिस के पहुंचते ही वहां से 3 लड़कियां निकलकर भागने की कोशिश करने लगी, जिस पर महिला पुलिसकर्मियों ने उन सभी को दबोच लिया। उनके पर्स की तलाशी में शिवानी, किरण और प्रीति के पास से 400 ग्राम, 424 ग्राम और 439 ग्राम सफेद पाउडर के पैकेट बरामद हुए। बरामद किए गए कुल 1236 ग्राम सफेद पाउडर की जांच के बाद हेरोइन होने की पुष्टि हुई, जिसकी कीमत 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जिसके बाद तय प्रक्रिया के अनुसार तीनों युवतियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में पुलिस आगे की जांच में जुट गई है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनके पास हेरोइन कहां से आई।